हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिज वायरिंग डायग्राम के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से फ्रिज की वायरिंग को ट्रेस कर पाएंगे। तो आइए इस वायरिंग डायग्राम को हम रीड करते हैं। ये है थ्री पिन टॉप, ये है थर्मोस्टेट और ये है डोर स्विच। डोर स्विच जब दरवाजे को आप क्लोज़ करेंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा हम ओपन करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये है कैपेसिटर, सॉरी ये है कंप्रेसर और ये ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कंप्रेसर ज़्यादा हीटअप होता है या ज़्यादा करंट लेने लगता है तो ये ओएलपी उस कंप्रेसर की सप्लाई को बंद कर देता है। ये पीटीसी रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले, और ये 6 MFD कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर, इसको टार्क देने के लिए कंप्रेसर को। और ये थर्मोस्टेट है, जब फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा फ्रिज के अंदर जो एवोपोरेटर लगा हुआ रहता है, अगर उसमें ज़्यादा बर्फ़ जम जाए तो हम इसको मूव करके बर्फ़ को मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है हैंडल, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये डिफ्रॉस्ट मोड में चलने लगेगा कंप्रेसर फ्रिज। उसके बाद आधा एक घंटे के बाद बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फ्रिज चालू हो जाएगी। और इससे आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिज के टेम्परेचर को। ये है ग्रीन वायर अर्थिंग जो कंप्रेसर से कनेक्ट है, कभी बॉडी पे लीकेज करंट आए तो ग्राउंड हो जाए। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल इन्वर्टर टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।